हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं जा रही हूँ बनाने चने दाल का नमकीन। तो हमने दाल ले लिया है 100-150 ग्राम, उसको अच्छे से धो के 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए। तो 4-5 घंटा हो गया, देखिए दाल भीग गया। इसको हम छन्नी में छान लेते हैं अच्छे से। देखिए, हम दबा नाखून से दबा के देख रही हूँ, दाल एकदम फूल गया। अब इसको हम पंखे के नीचे इसका पानी सूखने तक सुखा लेते हैं। तो देखिए, मैंने कपड़े पे डाल दिया दाल। इसको 5-10 मिनट के लिए पतले पतले करके इसको हवा में, इसका पानी जब तक सूख जाए सुखा लेते हैं। अगर पानी सूख जाएगा ना, तो ये तलने में बहुत अच्छा से तला जाएगा। तो देखिए, हमने दाल को सूखने के डाल दिए। अब 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। तो देखिए, 5 मिनट हो गया, दाल का पानी सूख गया। हम इसको कटोरी में ले लिए सबको। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो इधर कढ़ाई ले लिया गैस पे, कढ़ाई गर्म हो गया और इसमें मैं सरसों तेल डालू। सरसों तेल में ही बनाऊँगी, सरसों तेल से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है नमकीन में। तो तेल डाल दिए, तेल गरम हो रहा है। तो तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसको दाल को डाल के आधे आधे दो बार में तलेंगे। तो डाल के देखिए, हम मीडियम आंच कर लेते हैं और इसको क्रंची होने तक इसको फ्राई करते हैं। ऐसे चलाते रहेंगे तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा दाल, और बहुत अच्छा लगेगा नमकीन खाने में। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। देख लीजिए, आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा, और मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, ये हो गया गोल्डन गोल्डन हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं, अच्छे से पक गया अंदर तक छन्नी में डाल के, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो सब निकल जाए। तो जब भी मन करे नमकीन खाना हो, इसको गांव में दाल मठ बोलते हैं। तो ऐसे ही फटाफट बना लीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है। और चाय के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है खाने में। देखिए, दोबारा जो दाल था, दोबारा फिर हम उसी प्रकार डाल दिए। फिर इसको भी ऐसे चलाते चलाते फ्राई कर लेते हैं। बहुत टेस्टी लगता है नमकीन खाने में ये वाला, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। बाहर तो बाज़ार में पता नहीं चने का दाल के जगह मटर का दाल का भी बना देते हैं। तो देखिए, दाल हो गया फ्राई, और इधर हम इसमें थोड़ा सा ये काला नमक है आधा चम्मच, चटपटा करने के लिए इसको मसाला मिलाएंगे। ये है काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और ये आमचूर का पाउडर, ये भी थोड़ा सा ले लिए। और ये लाल मिर्च का मोटा वाला पाउडर है। सबको मिला के अच्छे से कर देंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा, फिर बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। चाहे कोई मेहमान आया हो कुछ, या घर में खाना हो, तो आप फटाफट बना के खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया नमकीन। अब हम इसको एक कांच के बोतल में भर लेते हैं। तो देख लीजिए कैसा लगा बनाने का मेरा तरीका, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसमें रख देंगे तो जल्दी से ये सीलेगा भी नहीं, करंची रहेगा करकरा खाने में। तो
देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा। तो हम इसी तरह का रेसिपी लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।